नमस्कार दोस्तों, एथिक्स के रणनीति में पिछले क्लास में हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि कौन सी ऐसी चार बातें हैं जिन चार बातों को ध्यान में रखते हुए आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहली जो बात आपको बताई गई थी वह है कि आपको कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दूसरी बात आपको ये बताई गई थी कि आप में कुछ चीजों की समझ होनी चाहिए। तीसरी बात आपको मैंने यह बताई थी कि आप में हो सकता है कि एबिलिटीज हो, लेकिन आप इस बात के लिए कॉन्शस हो जाएं कि आपके भीतर डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी हो और आपके भीतर केस से कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट से केस की तरफ जाने की भी एक एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप हो जाए। और चौथी बात यह है कि कुछ गलतियों से जिंदगी में किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को हमेशा कुछ गलतियों से बचने की जरूरत होती है ताकि वो अपने मंजिल को आसानी से हासिल कर सके। पहली जो बात है वो पहचानने की, तो तीन चीजों की पहचान एथिक्स की तैयारी में एक विद्यार्थी के पास जिसको ABCD भी पता नहीं है, लेकिन अगर वो इन तीन चीजों की पहचान रखता है तो एक निश्चित समय में वो मुश्किल से 1.5-2 महीने में वो बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है। सबसे पहली बात यह है कि इस विषय के 24-25 कॉन्सेप्ट्स हैं। उन 24-25 कॉन्सेप्ट्स पर एक विद्यार्थी की एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए जिसमें वो 25 से 50 शब्द में उदाहरण के साथ उत्तर लिख सके। दूसरी बात यहाँ पर यह कि विद्यार्थी के को पता होना चाहिए कि वो कौन से 8 टॉपिक्स हैं, 8 एरियाज हैं जहां घूम फिरकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये 8 संख्या में बता रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि हमने तो कोई ऐसा 7वां 8वां आश्चर्य देखा नहीं, लेकिन ये 8 मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये चीजें होती हैं लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था। जैसे नैतिकता और राजनीति का तनाव होती है, आपने ध्यान नहीं दिया। नैतिकता और कानून का तनाव, नैतिकता और समाज का तनाव, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर मुद्दे होते हैं, नैतिकता और पेशे को लेकर तनाव, व्यवसाय को लेकर तनाव। अब ये चीजें क्या हैं, उदाहरण हैं, इनको हम एक अम्ब्रेला में डाल सकें। और तीसरी बात यहां पर ये कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कल पेपर है आज पढ़ के जाना जरूरी है। 2 घंटे का समय बचा है, आज इस चैप्टर को नहीं छोड़ सकते हैं। कौन सी ऐसी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? तो आइडेंटिफाई की एरियाज की कॉन्सेप्ट ऑफ द सिलेबस, आइडेंटिफाई की एरियाज ऑफ द पेपर, आइडेंटिफाई की चैप्टर ऑफ द सिलेबस, की चैप्टर ऑफ द 4th पेपर। दूसरी बात ये कि कुछ चीजों की समझ की जरूरत है, तो समझना है दरअसल कुछ सिद्धांतों को और सिद्धांतों की एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा, कुछ थिंकर्स, कुछ फिलोसोफर्स, कुछ थियोराइज जो की गई बातें हैं, कुछ नेताओं के, कुछ सुधारकों के, उनके जो सबक हैं, लेसन्स हैं, कुछ प्रशासकों के जीवन के कुछ सबक हैं, उनको समझें आप। और तीसरी बात यह है कि कुछ कानूनों की भी समझ होनी चाहिए, कुछ लॉज ऐसे हैं जिनकी समझ होनी चाहिए। यहां पर अगर हम इन 6 बातों को ध्यान में रखें तो 2 बातें इसमें और हैं। एक, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी एथिक्स के पेपर के साथ ही लगा हुआ है और एप्टीट्यूड टेस्ट में केस स्टडीज पूछी जाती हैं। केस स्टडीज में आपको सिचुएशन पर रिएक्शन देना पड़ता है, वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। इसमें आप क्या सोचते हैं और क्या करेंगे ये पूछा जाता है। इसका मतलब कि एक प्रशासनिक जो अभिक्षमता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एप्टीट्यूड है, वो एप्टीट्यूड इस पेपर में चेक होता है। इसलिए बहुत ध्यान की बात यह है कि आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप हो जानी चाहिए जो इफिशियंट हो, जो इथिकल हो। और इसके साथ ही केस से कॉन्सेप्ट से केस की तरफ आप जा सके, केस से कॉन्सेप्ट की तरफ जा सके। और आपको इसमें घबराना नहीं है, मैं कुछ उदाहरण लेकर आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन चीजों की तरफ फ्लोट करेंगे और कुछ चीजों से आपको बचना है। मैं सबसे पहले आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि एथिक्स के प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह बात यह है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी आपके पास
एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दरअसल ये जो पेपर है, ये पेपर जो है वो तीन तरह के कॉन्सेप्ट से मिलकर बनता है। इस पेपर का बेस है एथिकल कॉन्सेप्ट्स। इस पेपर में दो और घटक हैं, आपकी पर्सनालिटी के कुछ एस्पेक्ट इस पेपर में पूछे जाते हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस और एटीट्यूड के चैप्टर में पूछे जाते हैं। इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि आप एप्लीकेशन कर सकें। कई बार ज्यादा जान लेना खुद से दुश्मनी ठान लेना होता है, तो ज्यादा जानने पर अगर आप एक ऐसे डॉक्टर बन गए जो डॉक्टर जो है दवाई को मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, तो उसकी MBBS की पढ़ाई बेकार है। दरअसल आपको यहां पर कुछ सिचुएशंस का डॉक्टर बनना है। आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस में कुछ चीजें प्रिस्क्राइब करनी है, तो बहुत क्रिस्प होना चाहिए कॉन्सेप्ट। और इसके साथ ही ये पूरा जो विषय है, ये पूरा विषय एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए एथिक्स के पर्चे का एक तीसरा पार्ट है, वो तीसरा पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। तो एथिकल कॉन्सेप्ट्स, कुछ पर्सनालिटी से जुड़े हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंटेलिजेंस क्या है, एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या है, इमोशन क्या होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इन पर एक व्यवहारिक समझ होनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, एथिकल गवर्नेंस क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या होता है, इसके साथ ही यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई चीजें कि एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स को लाने के लिए कोड ऑफ एथिक्स को हम कितना यूज कर सकते हैं। तो यहां आप ध्यान दीजिए कि एक तो हमारे भीतर इन चीजों को अलग अलग जानने की क्षमता होनी चाहिए, और फिर इनको पारस्परिकता में म्यूचुअल इनके जो रिलेशन है उनमें भी आप हमारे भीतर जानने की क्षमता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं तो कोई चीज आसान हो जाती है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं तो किसी भी विषय पर आपकी जो पकड़ है वह पकड़ बन जाती है, और कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं तो आप एप्टीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता को एप्टीट्यूड कहते हैं। तो एप्टीट्यूड में भी क्या करना है, कौन सा उपाय अपनाना है, ये बात भी आपको समझ में आएगी। अब यहां पर आप ये सोचेंगे कि कॉन्सेप्ट ये है कौन से, तो ये कुल मिलाकर दो दर्जन के आसपास कॉन्सेप्ट हैं। ये जो दो दर्जन कॉन्सेप्ट हैं ये एथिक्स के कुछ हैं, प्योर एथिक्स के कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, कुछ साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मूल्य क्या होते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, 2013 का पहला सवाल, मूल्य और नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं, और व्यावसायिक रूप से सक्षम होना किस प्रकार नैतिक होने के साथ संभव है या नहीं है, ये सवाल पूछा गया। तो इस सवाल में आपसे तीन बातें पूछी गई, मूल्य, नैतिकता और व्यावसायिक सक्षमता को इसके साथ जोड़ा गया। तो अगर ये 150 शब्द का प्रश्न है तो इसमें लिखना तो 50 शब्द ही मूल्य पर है, 5 लाइन लिखनी है, और वो 5 लाइन दिमाग में होनी चाहिए। तो मूल्य क्या है, मानक क्या है, वर्चूज क्या होते हैं, सद्गुण क्या होते हैं, उचित क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, बाध्यता क्या होती है, उत्तरदायित्व क्या होता है, स्वतंत्रता किसको कहते हैं, न्याय क्या है, समानता क्या है, आचरण संहिता क्या है, नैतिक संहिता क्या है, सुशासन क्या है, शासन क्या है, नैतिक शासन क्या है, संवेग क्या होते हैं, बुद्धि क्या है, संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति किसको कहते हैं, अभिक्षमता क्या होती है, और इनके बीच का डिफरेंस, अभिरुचि क्या है। अगर हम एक बिल्कुल बिगनर विद्यार्थी के दृष्टिकोण से या एडवांस लर्नर दोनों के दृष्टिकोण से बात करें तो आप ये पाएंगे कि सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा लोग कठिनाई इसी बात में महसूस करते हैं कि इन पर 50 शब्द में क्या लिखूं। तो सबसे पहली बात यह है कि
कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को तैयार करना चाहिए, इससे यह विषय आसान हो जाएगा, इससे इस विषय पर आपकी ग्रास्प, आपकी पकड़ भी बनेगी, क्योंकि सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप 2013 से लेकर 2018 तक के सवाल अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स पर सवाल हैं। 2017 के पेपर में पूछा गया कि लोक हित से क्या तात्पर्य है, पब्लिक इंटरेस्ट से क्या तात्पर्य है। 2016 से लेकर 2018 से लेकर 2015 तक लगातार हितों के संघर्ष पर सवाल पूछा गया। तो अगर बच्चे को लोक हित पता ही नहीं है तो वो निजी हित और लोक हित के बीच में अंतर कैसे करेगा, और इनके बीच में कंफ्लिक्ट होता है, इस बात को वो कैसे तय करेगा। इसलिए मेरा सबसे पहला सुझाव है, अपने सभी ऑफलाइन विद्यार्थियों को क्लास में जो बात बताता रहता हूं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विद्यार्थियों को फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट्स पर आपको एक ठीक ठाक आइडेंटिफिकेशन करते हुए उन पर अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, इसी से यह विषय क्या होगा, आसान होगा। लेकिन यहां पर एक चैलेंज भी है, दरअसल जो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स हैं जैसे संविधान, इतिहास, भूगोल, वहां पर चीजें मूर्त होती हैं, कंक्रीट होती हैं। हिमालय पर्वत कंक्रीट है, वहां पर कुछ लिखना वर्णन करना है, लेकिन एथिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट्स नहीं, वो नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है। ईमानदारी, अब ईमानदारी को हिमालय पर्वत की तरह तो नहीं बता सकते। तो जब आप मूल्यों पर, जब आप कॉन्सेप्ट्स पर तैयारी करेंगे तो कॉन्सेप्ट की तैयारी पर हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हमेशा एक या दो वाक्य में मूल बातें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि निजी हितों का खुलासा करने वाला व्यक्ति ईमानदार है और निजी हितों को छिपाने वाला व्यक्ति बेईमान हो सकता है। अब यहां पर जैसे महात्मा गांधी ने कुछ नहीं छिपाया तो वो ईमानदार है, अगर उन्होंने कुछ छिपाने की कोशिश की होती, या एक आईपीएस अधिकारी अपना आईटीआर भरने से मना करता है या भरना नहीं चाहता है तो छिपा रहा है, यहां पर उसकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। तो जब हमने ईमानदारी को परिभाषित किया कि निजी हितों का खुलासा करना ईमानदारी है और उसका उदाहरण लिया, तो उदाहरण लेने से यह बात क्या हुई, स्पष्ट हुई। तो सबसे पहले क्या है कि आप ये भी बात समझें कि इसकी चुनौती क्या है। इसकी चुनौती ये है कि ये डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपको एक दो लाइन में दिमाग में अपनी बातें, कॉन्सेप्ट की रखनी पड़ेंगी, और उनके एग्जाम्पल्स जो लें आप बड़े लोगों के लें, नॉन फिगर्स के लें, एग्जाम्पल्स जो है बड़े नेताओं के, विचारकों के, सुधारकों के, प्रशासकों के, उनके लें। और एक और बात कि जब आप कॉन्सेप्ट्स पर आप चीज काम करेंगे तो दो कॉन्सेप्ट्स के बीच का इंटर रिलेशन क्या है, इस पर भी सवाल पूछा जाएगा। जैसे आपने सत्यनिष्ठा तैयार कर लिया तो आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञान और सत्यनिष्ठा के बीच के संबंध को बताइए। अब यहां पर पूछा जाएगा कि ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा बेकार है और सत्यनिष्ठा ज्ञान के बिना जो है वह खोखली है। अब ये जो इसका मतलब है कि हमसे यूपीएससी ये चाह रही है कि हम ऐसी तैयारी करें जिसमें हम दो कॉन्सेप्ट्स या दो वैल्यूज या दो नॉर्म्स के आपसी संबंधों पर भी बात कर सकें। 2018 में एक सवाल पूछा गया, उस सवाल में पूछा गया कि असत्य जो है अगर वह निष्कलंक कल्याण से जुड़ जाता है तो असत्य का स्थान ले लेता है। अब यहां पर एक वैल्यू है सत्य का, एक डिस वैल्यू है असत्य का, और एक वैल्यू है कल्याण का। तो आपको यहां पर सत्य, असत्य और कल्याण के इंटर रिलेशन पर बात करनी है। जब आप अंडरस्टैंडिंग एक सिंगल नोशन, कॉन्सेप्ट सिंगल नोशन पर बना लेंगे तो कॉन्सेप्ट्स के आपसी संबंधों पर भी आप सवाल लिख सकेंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि जो 24-25 कॉन्सेप्ट्स हैं तकरीबन, उन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और अच्छी पकड़ का मतलब यह है कि बहुत लॉजिकल वे में, रीजनिंग के साथ आप जो भी कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं उसको एग्जांपल से जोड़ सकें, आप जस्टिफाई कर सकें, आप जस्टिफाई करने में आपकी अपनी भाषा हो।
ये पहला काम है एथिक्स की तैयारी के संदर्भ में। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, वह यह है कि एथिक्स के पेपर में एक स्तर की तैयारी करने के बाद हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को बार बार अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बहुत से लोगों को बहुत चीजों को लेकर भ्रम है कि इस पेपर में क्या बदलाव हो रहा है, या इस पेपर में जो चीजें हैं वो चीजें वही पूछी जा रही हैं। दरअसल इस भ्रम को या इस असमंजस को भी थोड़ा समझते हैं। दरअसल यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि एथिक्स के पेपर की जो कुंजी है वो तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग और उनके आपस के संबंधों को समझने से जुड़ी हुई है। लेकिन एथिक्स के पेपर की जो दूसरी कुंजी है वो कुंजी ये है कि 8 ऐसे एरियाज हैं जिन पर सवाल पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। वो 8 एरियाज कौन से हैं? सबसे पहली बात ये है कि पिछले 2013 से लेकर 2018 तक के प्रश्न पत्र को आप उठा लेंगे तो आप हमेशा ये पाएंगे कि एथिक्स और लॉ, मोरलिटी और लॉ एक ऐसा एरिया है जहां पर लगातार सवाल पूछे गए। 4 सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं। इसी तरह से नैतिकता और राजनीति पर 2 बार सवाल पूछा गया। नैतिकता और पर्यावरण पर 1 बार प्रश्न और 1 बार केस स्टडी पूछी गई। नैतिकता और समाज पर भी 1 बार सवाल पूछा जा चुका है। नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर भी सवाल पूछे गए। इसके अलावा नैतिकता, एथिक्स और प्रोफेशन पर सवाल पूछा गया, और एथिक्स और बिजनेस पर भी सवाल पूछा गया। अगर इनको कुल हम देखें तो इसको अगर 1 कहें, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 एरिया हुए। इन 7 एरियास के अलावा यहां पर आप ये पाएंगे कि नैतिकता और आर्थिक पक्षों पर भी सवाल पूछा गया है। जैसे 2-3 दिन पहले अखबारों में एक मुद्दा आया था, अगर उस मुद्दे को हम समझें तो हमें ये मदद मिलेगी कि कैसे मैं क्यों इन 8 क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। एक जर्मनी की कार बनाने वाली या ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सवेगन। फॉक्सवेगन ने अपने कारों में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डाला जिससे वे इमिशन के जो नॉर्म्स थे इंडिया में, उन नॉर्म्स को बिना कंप्लाई किए हुए ही कारों को चला सकते थे। भारत में एनजीटी ने कल या परसों 500 करोड़ रुपए का फॉक्सवैगन पर जुर्माना लगाया, और इसको जो है डीजल गेट कहा जा रहा है। ये अमेरिका वगैरह में हो चुका है, ये डीजल गेट कहा जा रहा है। यहां पर मुद्दा क्या है कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की हद तक चली गई, और उसने एक तरह से लोगों, एक तरह से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन इतना अधिक किया कि ये माना जा रहा है कि उसने 2016 के वायु प्रदूषण को दिल्ली जैसे शहरों में बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की होगी। अब यहां पर अगर देखें तो ये क्वेश्चन एथिक्स और बिजनेस का भी है, और ये क्वेश्चन एथिक्स और एनवायरमेंट का भी है।
यह क्वेश्चन एथिक्स और बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है और एथिक्स और एनवायरमेंट से भी जुड़ा हुआ है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस चीज को कैसे ग्रहण करते हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ये कोई नया तरीका या नया उदाहरण नहीं है। दरअसल इसमें फॉक्स वैगन एनजीटी ये सिर्फ और सिर्फ एक किरदार हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि क्या हम आर्थिक क्रियाओं के लिए पर्यावरण को और क्या हम आर्थिक क्रियाओं के लिए चीटिंग कर सकते हैं, और अगर हम चीटिंग कर रहे हैं तो ये नैतिकता का मुद्दा है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हम छिपा रहे हैं तो ये नैतिकता का मुद्दा है। तो अब ये जो इस तरह के इश्यूज हैं, ये इश्यूज दो तरह से पूछे जा सकते हैं। एक तो केस स्टडी में पूछे जा सकते हैं, और दूसरा इस तरह के जो इश्यूज हैं वो केस स्टडी के अलावा उनको सीधे आपसे पब्लिक पॉलिसी में कैसे आप ड्राफ्ट करेंगे इससे पूछे जा सकते हैं। हम लोग ये जो आठ जो पक्ष हैं, इन आठों पक्षों को थोड़ा समझें। 2018 के पेपर में आप एक सवा एक केस स्टडी आई है जो एडवर्ड स्नोडन से शुरू होती है, और उस केस स्टडी का जो इसेंस है वो इसेंस ये है कि क्या एडवर्ड स्नोडन का खुलासा सही था। वो कह रहा था कि लोगों के हितों के नाम पर जो चीजें की जा रही हैं उनका खुलासा करना कर्तव्य है। अमेरिका का प्रशासन कह रहा है कि नहीं, ये गलत है, एडवर्ड स्नोडन ने राजद्रोह किया है। अब कुछ एक आदमी कह रहा है कि वो कानूनी रूप से गलत भले ही है लेकिन वो नैतिक रूप से सही है, और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारे नैतिक रूप से सही होने का कोई महत्व नहीं है, तुमने राष्ट्र के तुमने देश के कानूनों का उल्लंघन किया है। अगर हम देखें तो कॉन्टिनम जो है वो सेम है, क्वेश्चन बदल गया है, उसकी भाषा बदल गई है, कॉन्टिनम वही है, मोरलिटी और लॉ। और अगर आप इसी तरह से आप देखेंगे तो 2016 में, 2015 में और 2014 में इस पर लगातार सवाल पूछे गए। 2016 में सीधे कहा गया कि दो उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो नैतिक रूप से सही हैं लेकिन कानूनी रूप से गलत हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कानूनी रूप से सही हैं, वैध हैं लेकिन नैतिक रूप से गलत हैं। 2015 में नैतिकता और कानून के बीच में विभेदन पूछा गया, और सभ्य समाज को नियंत्रित करने वाले उपकरण के रूप में विधि और नैतिकता को बताइए, और विधि और नैतिकता के संदर्भ में विधि और नैतिकता को बताइए, और फिर उसी कॉन्टिनम में लॉ एंड मोरलिटी के कॉन्टिनम में सवाल पूछा गया। ये सवाल उठता है कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। दरअसल अधिकारी को लॉ को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, और लॉ को ध्यान में रखने में कई बार हम ऊपरी तौर पर लॉ को ध्यान में रखते हैं लेकिन उसकी स्पिरिट नहीं होती है, तो कई बार हम मोरलिटी को एथिक्स को दरअसल हृदय से फॉलो नहीं करते हैं, तो ये मुद्दा होता है। और कई बार बिल्कुल क्या है चीजें एकदम से प्रकट रूप में कॉन्ट्रेरी होती हैं। दरअसल चार तरह की स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति यह हो सकती है जहां पर कोई चीज नैतिक और कानूनी दोनों रूप से गलत हो। दूसरी जगह चीज यह हो सकती है जहां पर कोई बात नैतिक और कानूनी दोनों रूप से सही हो। इन दोनों में हमें ज्यादा उलझन नहीं होती। जो नैतिक रूप से गलत है, कानूनी रूप से गलत है, उसमें कोई उलझन नहीं है। जैसे कि अगर कोई दुराचार का मामला है तो कानूनी रूप से भी गलत है और नैतिक रूप से भी गलत है। यहां पर कुछ चीजें नैतिक रूप से भी सही है और कानूनी रूप से सही है, यहां पर भी हमें उलझन नहीं होगी। हमें उलझन कहां पर होगी? हमें उलझन वहां पर होगी जहां कुछ चीजें नैतिक रूप से सही हैं, उचित हैं, लेकिन कानूनी रूप से गलत हैं, अवैध हैं। हमें उलझन वहां होगी जहां पर कुछ चीजें कानूनी रूप से वैध हैं लेकिन नैतिक रूप से गलत हैं, और आपसे लगातार इस पर सवाल पूछे जाएंगे। केस स्टडी बदल जाएगी, क्वेश्चन की भाषा बदल जाएगी, लेकिन एथिक्स और लॉ का जो कॉन्टिनम है वो वही रहेगा। दरअसल नैतिकता के सवाल शाश्वत सवाल हैं। अच्छाई और सही के बीच की जो जंग है वो आज ही नहीं उपस्थित हुई, ये पहले भी थी कि जब हम कई बार अच्छा करते हैं तो सही नहीं रहते हैं, और कई बार हम सही करते हैं तो अच्छा नहीं रहते हैं।
कि मैं यहां पर कोई चीज कानूनी रूप से नैतिक रूप से ठीक नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यहां पर कानूनी रूप से नैतिक रूप से ठीक नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी नैतिक नैतिक दृष्टि से मुझे लगता है कि किसी की मदद करनी चाहिए। तो यहां सबसे बड़ी बात है कि हम उस माइंडसेट को चेंज करें। दरअसल हमें लगता है कि समाज पूरी तरह से बदल रहे हैं, हम भाग रहे हैं, इसका एक जिस्ट है, इसका एक कॉन्सेप्ट है। नैतिकता और राजनीति को लेते हैं, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि तरुण लोग, यंग पीपुल, ये राजनीति में, सक्रिय राजनीति में शामिल नहीं होना चाहते हैं। और उस सवाल में जोड़ा गया कि अच्छे और तरुण लोग, तरुण अच्छे आचरण वाले लोग, यंग एथिकल पीपुल्स पीपुल आर नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। आपको अभिप्रेरित करना है उनको कि वो राजनीति में आए। जैसे बिहार में आप देख रहे होंगे प्रशांत किशोर अभिप्रेरित कर रहे हैं कि आप आइए, तो वो अभिप्रेरित कर रहे हैं, तो अभिप्रेरित करने में वो जाकर भाषण दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप किस लिए आना चाहते हैं ये पहले तय करिए। यहां पर आपसे ये सवाल पूछा गया, और इस सवाल की जिस्ट अगर आप देखेंगे तो ये है कि सवाल राजनीति और नैतिकता के कॉन्टिनम पर है कि नैतिक किंतु तरुण लोग राजनीति में नहीं आना चाहते। आप कैसे प्रेरित करेंगे? राजनीति, नैतिकता वाले राजनीति से दूर हो रहे हैं, उनको राजनीति में ले आना है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी तो यही बात कहते थे, और प्लेटो ने भी यही बात कही कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो अच्छे लोगों को बुरे लोगों के शासन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो वो तो ये कह रहे थे प्लेटो ने कि नैतिक लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और ये बात एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी कह रहे थे। वो वैज्ञानिक थे, उनको आने की जरूरत क्या थी? उनको आने की जरूरत इसीलिए थी क्योंकि वे इस विचार को मानते थे कि नैतिक लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उनको आना चाहिए। तो जो राजनीति और नैतिकता के बीच में हमने दीवार एक समझ ली है कि राजनीति तो गलत लोगों के लिए ही बनी है, हमने मैकियावेली को दिल में, दिमाग में बैठा लिया है। दरअसल यूपीएससी अपने रिपोर्ट या यूपीएससी जो है वो इस बुनियादी सवाल को उठा रही है, तो राजनीति और नैतिकता। और इसी तरह से कि कुछ लोगों का मानना है, 2013 में सवाल आया कि राजनीति और नैतिकता एक साथ नहीं चल सकते। आप क्या समझते हैं? आप अगर देखेंगे तो 2013 और 2017 के सवालों की भाषा डिफरेंट है, लेकिन उनका कॉन्टिनम जो है वो एक है। इसी तरह से पर्यावरणीय नीति शास्त्र पर 2015 में सवाल पूछा गया, और 2014 में पर्यावरणीय नीति शास्त्र पर एक केस स्टडी पूछी गई, सेम एरिया। फिर समाज में एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है, विश्वास का संकट पैदा हो गया है, समाज में विश्वास का संकट पैदा हो गया है 2014 में पूछा गया, और ये 2014 का सवाल नैतिकता और समाज के पक्ष से जुड़ा हुआ है। सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्यों की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ये 2014 में फिर ये सवाल पूछा गया, 2015 में ये सवाल पूछा गया, यहां पर नैतिकता और आर्थिक पक्ष से जुड़ी हुई बात पूछी गई। पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स पर सवाल पूछा गया 2016 में, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सवाल पूछा गया 2017 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 8 एरियाज हैं, इन 8 एरियाज पर 150 शब्द लिखने की क्षमता पहले आनी चाहिए, और बड़े जो बेसिक डिबेट हैं वो पता होनी चाहिए। हर विषय के कुछ फाउंडेशनल डिबेट होते हैं, उसके कुछ नैरेटिव होते हैं, कुछ मेटा नैरेटिव्स होते हैं। नरेशन का मतलब होता है कि उससे जुड़ी हुई कुछ व्याख्याएं होती हैं और कुछ उच्चतर व्याख्याएं होती हैं। तो आप 150 शब्दों में उन पर रिसर्च नहीं कर सकते, लेकिन आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि मैकियावेली राजनीति में कूटनीति लाकर राजनीति को खराब कर रहे थे, और गांधी राजनीति और नैतिकता को एक साथ ला रहे थे। हमारे सामने दोनों उदाहरण हैं, हम किसको वास्तव में, किस उदाहरण को प्रेरित करने वाला मानेंगे हमारे ऊपर निर्भर है। हम मान लें कि राजनीति में गलत लोग ही है, तो हम राजनीति में अच्छे लोगों को जाने के लिए या खुद को जाने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो
आठ ही रियाज हैं, इन पर पकड़ बनाना पड़ेगा। निधि शास्त्र के तैयारी की रणनीति की पहली कुंजी अगर कॉन्सेप्ट है, दूसरी कुंजी आठ क्षेत्रों की तैयारी है, और उस तैयारी में ऐसी बात होनी चाहिए जिससे आप प्रश्न को जोड़ सकें, समझ सकें, तो नीति शास्त्र के तैयारी की रणनीति का जो तीसरा जो पहलू है, वह पहलू वास्तव में ये है कि क्या आपको पता है कि आपके पूरे पाठ्यक्रम और पेपर का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो कौन सा है। कल एग्जाम है मेरा और मेरे पास दो ही घंटे का समय है, मैं क्या रिविजन करूंगा। तो मेरा मेरी अस्पष्ट आपको सलाह है कि फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द योर सिलेबस। और कुछ भी हो जाए, कोई उतार चढ़ाव हो, कोई भी पेपर बनाने वाला हो, इस चैप्टर से, फाउंडेशनल वैल्यूज के चैप्टर से सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आपको पता है कि पर्चे के कुछ चीजें आउट हैं? आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। सात वैल्यूज हैं जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में दिए हैं और यूपीपीसीएस ने हूबहू, एमपीपीएससी ने हूबहू उनको अपने पाठ्यक्रम में रख लिया है। वो सात वैल्यूज के आपने तैयार किए, क्या आपकी तैयारी इंटीग्रिटी पर है जिस पर पांच से अधिक बार सवाल पूछा गया, हर साल इस पर सवाल पूछा जाता है। क्या आपकी तैयारी इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीजनशिप पर है? अगर नहीं तो आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपको इस पेपर से किसी भी रूप में कोई डर लगता है तो कम से कम इस टॉपिक को तैयार करके आप एक से दो या तीन प्रश्न जरूर करने की स्थिति में आ जाएंगे। क्या आपको यह पता है कि इस पेपर में ऑब्जेक्टिविटी के वैल्यूज को यूपीएससी ने लगाया है कि आप इसको पढ़कर आइए? क्या आपको पता है कि कमिटमेंट टू सर्विस को यूपीएससी ने आपके पेपर में लगा दिया है कि कमिटमेंट टू सर्विस पढ़कर आइए? क्या आपको पता है कि इसके साथ ही कंपैशन को भी पढ़ के यूपीएससी कहती कि करुणा भी पढ़ के आना, हम इस पर सवाल पूछेंगे? और क्या आपको पता है कि टॉलरेंस को, सहिष्णुता को भी यूपीएससी ने आपके सिलेबस में लगा दिया है? क्या आपको पता है कि इम्पैथी पर भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं? क्या आप इस पर 150 शब्दों में, 200 शब्दों में उत्तर लिखने की क्षमता रखते हैं? अगर नहीं तो आपको ये क्षमता अर्जित करनी पड़ेगी। और एक और बात, इसमें बहुत सारे ऐसे भी आपको शिक्षक मिलेंगे, शिक्षण मिलेगा, जहां पर कॉन्सेप्ट को एकदम से उलट पुलट कर दिया गया है। कुछ शिक्षकों ने कहा कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ मोटे तौर पर एक हैं। ये पूरी तरह से गलत कॉन्सेप्ट है और इससे एक विद्यार्थी की पूरी तैयारी का सत्यानाश हो सकता है। अगर ये दो सारे कॉन्सेप्ट मोटे तौर पर एक हैं, तो सिलेबस को बताने वाले, सिलेबस को पढ़ने वाले ये बताएं कि तीसरे टॉपिक में इंटीग्रिटी है और सातवें टॉपिक का नाम है प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। अगर ये दोनों एक ही है तो अलग अलग क्यों है? नोलन कमेटी ने सार्वजनिक जीवन के सात मूल्य बताए और उन सात मूल्यों में उन्होंने ऑनेस्टी को, ईमानदारी को अलग और इंटीग्रिटी को अलग बताया। इसलिए कुछ जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उन मिसकॉन्सेप्शन से भी बचने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, मिसकॉन्सेप्शन केवल इस लेवल पर ही नहीं है, कुछ शिक्षकों को यही नहीं पता है कि नॉन पार्टीजनशिप और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये दोनों दो कॉन्सेप्ट हैं। न्यूट्रलिटी पॉलिटिकल भी होती है, सोशल भी होती है। नॉन पार्टीजनशिप और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इक्वल नहीं है। दरअसल नॉन पार्टीजनशिप में सोशल न्यूट्रलिटी भी आती है और पार्टीजनशिप शब्द पार्टी से बना है। तो जब आप किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेते हैं तो आप नॉन पार्टीजनशिप हैं।
आप न कमजोर का पक्ष ले रहे हैं न मजबूत का पक्ष ले रहे हैं, आप न्याय का पक्ष ले रहे हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप नॉन पार्टीजनशिप रखते हैं। तो नॉन पार्टीजनशिप को पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बना देना, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये बच्चों के कॉपी के साथ और बच्चों के आंसर राइटिंग के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। तो यहां पर इन सब चीजों से भी आपको बचना पड़ेगा। दरअसल एक विद्यार्थी को यह समझ में आना चाहिए कि इस पूरे पेपर में पेपर की जो धुरी है वो बैलूज है, और बैलूज तीन जगह पर पढ़ने हैं, टॉपिक नंबर 3 में, टॉपिक नंबर 7 में और टॉपिक नंबर 1 में। 3 में फाउंडेशनल वैल्यूज पढ़ना है, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या मूल्य आपको अपनाए जाने हैं, एक सिविल सेवक के लिए अपेक्षित मूल्य क्या है, वो टॉपिक नंबर 3 में पढ़ना है। लेकिन एक सिविल सेवा एक संगठन के रूप में कौन से मूल्य चाहिए, वो टॉपिक नंबर 7 में पढ़ना है। पारदर्शिता संगठन के लिए जरूरी है, ईमानदारी अधिकारी के लिए और इंसान के लिए जरूरी है। और एक इंसान के लिए कौन से मूल्य अपेक्षित हैं, वो पहले टॉपिक में पढ़ना, ह्यूमन वैल्यूज। तो एक इंसान के रूप में मूल्य पहले टॉपिक में, इंसानी मूल्य, मानवीय मूल्य। एक अधिकारी के लिए अपेक्षित मूल्य तीसरे टॉपिक में, और एक प्रशासनिक संगठन के लिए अपेक्षित मूल्य सातवें टॉपिक में। तो जब आप प्रॉबिटी इन गवर्नेंस पढ़ेंगे तो इनको यहां पर इन चीजों में भी अंतर करना पड़ेगा। क्या आपका वैल्यूज पर कमांड है? अगर नहीं है तो आपकी एथिक्स की तैयारी का ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं 9 बातों में से फिर बातों को दोहरा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करिए, की कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करिए, 24-25 की कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाइए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यहां पर ये कि जो एरियाज हैं, 8 एरियाज मैंने आपको बताए हैं, उन 8 एरियाज पर पकड़ बनाइए। वो 8 एरियाज के बारे में आप मन में घर रूम पर बैठकर सोचिए कि नैतिकता और राजनीति के बारे में मैं क्या सोचता हूं, अच्छा सोचता हूं, बुरा सोचता हूं। 2 पैराग्राफ लिखना होगा, मैं क्या लिखूंगा, दोनों साथ साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। तीसरा, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इस पर पूरी जान लगा दीजिए। और जैसे ही आप फाउंडेशनल वैल्यूज को तैयार करेंगे तो मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप हायर वैल्यूज को भी तैयार करें, क्योंकि अगर आपने फाउंडेशन तैयार कर लिया तो फिर आपसे कहा जाएगा कि कुछ हायर वैल्यूज को भी पढ़ लीजिए। और अगर आपने 7-8 फाउंडेशनल वैल्यूज के बाद हायर वैल्यूज को भी पढ़ लिया तो आपका ये पेपर, आपके पेपर का जो कोर एरिया है वो आपके हाथ में होगा। और इन 3 बातों के अलावा 4थी बात, थ्योरीज की, थिंकर्स की, थॉट की जो इंपॉर्टेंट है उनकी समझ होनी चाहिए, कानूनों की समझ होनी चाहिए। थ्योरीज की समझ है तो सारी थ्योरीज की समझ नहीं, 4-5 थ्योरीज है जिनकी समझ होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में 18 थिंकर्स लगाए गए हैं, उनकी समझ हो। और यूपीएससी के पाठ्यक्रम में उन 18 में से 5-7 ऐसे हैं जो घूम फिर कर पूछे जाते हैं, उनकी ठीक ठाक समझ हो। महात्मा गांधी के बिना कोई बात पूरी नहीं होगी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पूछा गया, तो राधा कृष्णन को लगाया गया। तो हम ऐसे थिंकर्स को ही चुने जहां पर हम उन पर उनके लेसन्स से हमें क्या सबक मिला। अगर सुकरात ने कहा कि अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं होता है, अगर महात्मा गांधी ने ये कहा कि जो परिवर्तन दुनिया में देखना चाहते हो वो खुद में देखो, तो हमें इस पर 100-150 शब्द लिखने की क्षमता अर्जित करनी पड़ेगी। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग या कोई भी सिविल सेवा की तैयारी करने वाला आयोग आपसे चाहता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपकी संक्षेपण करने की क्षमता बेहतर हो और आपकी विस्तार की भी क्षमता बेहतर हो। तो आप एक लाइन को 15 लाइन में लिख सकें, उसकी प्रासंगिकता को समझते हुए सिविल सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो आपको यहाँ पर ये भी सिद्धांतों की समझ, विचारकों के ऊपर समझ, और 6वां कानूनों की समझ, कॉन्सेप्ट्स, की कॉन्सेप्ट्स, एरियाज, एरियाज के अलावा चैप्टर्स, इन तीनों की, इसके अलावा प्रिंसिपल्स, थिंकर्स, इनकी समझ, और कुछ कानूनों की भी समझ होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी, और डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी के साथ साथ कॉन्सेप्ट से केस की तरफ और केस से कॉन्सेप्ट की तरफ एक फ्लोटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और कुछ चीजों से आपको बचने की भी आवश्यकता है। तो मैं अगले वीडियो में
अगले क्लास में आपको ये भी बताऊंगा कि जो इन तीन बातों के अलावा वो छह बातें कौन सी हैं जो एथिक्स की तैयारी में महत्वपूर्ण हैं।